जी हमारी बहुत वर्षों पुरानी मांगों को लेकर कलेक्टर साहब के यहाँ हाजिर हुए हैं। जो मुख्यमंत्री जी ने 2019 में हमारे विरोध ने हमने विरोध किया, दो दिन तक पानी में खड़े रहे, उसके बावजूद उनके बाद उन्होंने विधानसभा में 30 करोड़ की पुलिया सांगने आधुनिक पुलिया बनाने की बात कही, लेकिन 20 महीने के बाद भी उस पुलिया पे एक इंच भी काम नहीं हुआ। दूसरी बात, सालरा में जो स्कूल कर्मोन्नति हुई भाजपा के शासन में, वहाँ केवल एक टीचर अभी काम कर रहा है वर्तमान में। जब हम विरोध करते हैं या हमारे नेता कोई शिकायत दर्ज करते हैं तो कुछ समय के लिए वहाँ टीचर लगा देते हैं और वापस हटा देते हैं। इन दोनों मांगों को लेकर हम यहाँ कलेक्टर साहब के यहाँ हाजिर हुए हैं। हमारी ये मांग है, अगर ये दोनों मांगों पर कोई एक्शन नहीं लिया तो 45 दिन का इनको अल्टीमेटम दिया, 45 दिन बाद अगर कोई सकारात्मक रूप से कोई काम की शुरुआत नहीं हुई तो हम UIT के बाहर धरने पर बैठ जाएंगे। सांगानेर के अप्रोच रोड में एक पुलिया बनी हुई है, वो पुलिया सकड़ी है, आगे मेडिकल कॉलेज बना हुआ है और कम से कम 50-60 गांव इधर लगते हैं सड़क के, तो उस पुलिया को चौड़ी करने के लिए हमने एक ज्ञापन दिया। हाई लेवल ब्रिज के लिए ज्ञापन दिया, तो आश्वासन कुछ नहीं मिला। वो जो अधिकारी थे जिनको हमको देना, वो अधिकारी तो है ही नहीं, जैसे ADM है ना कलेक्टर है, वो कौन तहसीलदार जी थे तो उनको दिया बस।